दोस्तों फाइनली भारत और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा T20 मैच खत्म हो चुका है और इस T20 मैच में भारत की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को आखिरी ओवर में रोमांचक तरीके से हरा दिया और इस जीत के साथ ही भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज जीत चुकी है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको तीसरे T20 मैच के बारे में बताने वाले हैं, जहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तीसरा T20 मैच किस तारीख को कितने बजे से स्टार्ट होगा, इस मैच के लिए दोनों टीमों के प्लेइंग 11 में कौन कौन सा बड़ा बदलाव किया गया है, पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट और साथ ही साथ इस मैच का कंफर्म प्रेडिक्शन देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ऑल ओवर ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी भारतीय टीम के फैन हैं तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और वीडियो के ठीक नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही में उस बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप तीसरे T20 मैच का 100% एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं तो टॉनी भाई के साथ कांटेक्ट जरूर करें, उनका सभी डिटेल्स वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं तीसरे T20 मैच से रिलेटेड पूरे इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं तीसरे T20 मैच के स्टार्टिंग डेट और इसके साथ ही टाइमिंग के बारे में। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया का तीसरा T20 मैच 8 दिसंबर को खेला जाएगा। इस मैच के टाइमिंग के बारे में बात करें तो यह मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:40 से स्टार्ट होगा। इस मैच के वेदर रिपोर्ट के बारे में बात करें तो यहां पर क्रिकेट फैंस के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इस मैच में बारिश होने के बिल्कुल भी चांस नहीं है, तो इस वजह से फ्रेश और कमाल का मैच देखने को मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं इस मैच के लिए दोनों टीमों के कंफर्म प्लेइंग 11 के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय टीम के प्लेइंग 11 के बारे में। तो टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करेंगे केएल राहुल और शिखर धवन, तीसरे नंबर पर कैप्टन विराट कोहली, चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर, पांचवें नंबर पर संजू सैमसन, छठवें नंबर पर विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या, सातवें नंबर पर यजुवेंद्र चहल, आठवें नंबर पर वाशिंगटन सुंदर, नौवें नंबर पर दीपक चाहर, दसवें नंबर पर शार्दुल ठाकुर, वही 11वें नंबर पर टी नटराजन खेलने वाले हैं। तो भारतीय टीम कुछ इसी प्रकार की प्लेइंग 11 के साथ तीसरे और आखिरी T20 मैच में उतरने वाली है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इस मैच के लिए ऑस्ट्रेलियन टीम के प्लेइंग 11 के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग करेंगे डार्सी शॉट और मैथ्यू वेड, तीसरे नंबर पर स्टीव स्मिथ, चौथे नंबर पर ग्लेन मैक्सवेल, पांचवें नंबर पर मोजेज हेनरिक्स, छठवें नंबर पर मार्कस स्टोइनिस, सातवें नंबर पर डेनियल सैम्स, आठवें नंबर पर सीन एबॉट, नौवें नंबर पर स्पिन बॉलर मिचेल स्वेप्सन, दसवें नंबर पर लेग स्पिनर एडम जंपा, वहीं 11वें नंबर पर इस टीम के फास्ट बॉलर एंड्रयू टाई। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम कुछ इसी प्रकार की प्लेइंग 11 के साथ तीसरे और आखिरी T20 मैच में उतरने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप बात कर लेते हैं इस मैच के प्रेडिक्शन के बारे में, यानी कि इस मैच को कौन सी टीम जीत सकती है और ऑन द पेपर किस टीम का प्लेइंग 11 सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। तो फ्रेंड्स, अभी तक सबसे पहले बात कर लेते हैं T20 क्रिकेट के स्टैट्स के बारे में। तो अभी तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टोटल 23 T20 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 13 बार भारत की टीम जीतने में सफल रही है, वहीं सिर्फ 8 बार ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत को हरा पाई है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं हेड टू हेड स्टेट्स में टीम इंडिया का पलड़ा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भारी है। तो मेरे अकॉर्डिंग तीसरे और आखिरी T20 मैच में भी भारत की टीम जीत सकती है और इसके पीछे का एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि टीम इंडिया पहला 2 T20 मैच जीत चुकी है, तो इस वजह से भारतीय टीम के पास मोमेंटम है। तो इस वजह से भारत की टीम तीसरे T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी टीम आखिरी T20 को जीतेगी, आप अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में बात करें तो इसका लाइव ब्रॉडकास्ट सोनी 10/1 पर
पर इंग्लिश में, वही सोनी 10.3 पर हिंदी में किया जाएगा। वही जियो टीवी और सोनी लिव एप्लीकेशन पर मोबाइल फोन में आप इस सीरीज के सभी मैचों का लाइव ब्रॉडकास्ट देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑल ओवर यही था इस वीडियो में, जहां पर मैंने आपको तीसरे T20 मैच से रिलेटेड पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो दिल से एक लाइक जरूर करें और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही में क्रिकेट प्रेडिक्शंस के लिए टॉनी भाई के साथ कॉन्टैक्ट करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।